अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पुलाव। तो उसके लिए मैंने कुछ चीजें ली हैं। ये 3 कप मैंने चावल लिए हैं, ये मेजरमेंट वाले कप से मैंने 3 कप लिए हैं। आप किसी भी कप या गिलास या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये मैंने आधी फूल गोभी ली है, 1 गाजर लिया है और इनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। बहुत छोटे पीस हमें नहीं करने इसके। और ये 2 आलू है मीडियम साइज के, इसको मैंने पानी में रख रखा था काटकर। और ये 2 मीडियम साइज के शिमला मिर्च है, इसके मैंने बीज निकालकर इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप मैंने मटर लिए हैं, मैंने फ्रेश मटर लिए, आप फ्रोजन भी ले सकते हैं। 3 हरी मिर्चें हैं, 8 से 10 लहसुन की कली है, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, थोड़ा सा कटा हुआ आधा बंच हरा धनिया है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। पिसे मसालों मैंने 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ली, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर। और ये खड़े मसालों में मैंने 1 बेलीफ ले लिया छोटा सा, 3 से 4 हरी इलायची है, 3 से 4 ही छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के हैं, 8-10 काली मिर्च है, 1 मोटी इलायची ली है, 1 चक्रफूल लिया है और 1/3 टीस्पून मैंने खड़ा जीरा लिया है साबुत, 1 मीडियम साइज की प्याज है मैंने लंबाई में कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर है इसको मैंने क्यूब्स में काट लिए हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने जो हरी मिर्च, धनिया और लहसुन अदरक लिया है, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। आप पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, 4 से 5 चम्मच, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए लहसुन अदरक हरी धनिया और हरी मिर्च का मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम अपना पुलाव बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने कुकर रख लिया है, आप पतीले में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल डाला है, आप देसी घी में भी बना सकते हैं या डालडा घी में भी बना सकते हैं। तो ये जो मैंने खड़े मसाले लिए, सबसे पहले हम ये डाल देंगे। जरूरी नहीं है जो मसाले हमने लिए सारे हों, जो आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं। मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे। ताकि इसका अरोमा थोड़ा सा तेल में आ जाए। मसाले हमारे थोड़े पक गए हैं, अब इसमें हम कटी हुई प्याज डाल देंगे। सबसे पहले इसमें हमें अच्छा सा ब्राउन कलर देना है प्याज में। देखिए प्याज हमारी ब्राउन कलर पे आ चुकी है, अब इसमें हम ये सब्जियां ऐड कर देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से सब्जी ले सकते हैं, बीन्स है, जो भी सब्जी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल पुलाव है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसको हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में ही फ्राई कर लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको तेल में ही फ्राई कर लिया है। अब हमने जो ये हरा मसाला पीसा था, धनिया लहसुन अदरक का, ये डाल देंगे इसमें। और मैंने चावल, कच्चे चावल लिए हैं, आप सेला में भी बना सकते हैं। चावलों को मैंने भिगोया नहीं था, सिर्फ धोकर रख लिया है। आप चाहेंगे तो आप आधे घंटे के लिए भिगो ले अगर कच्चा चावल ले रहे हैं तो। मसाले हमने डाल दिए पीसे हुए। मसालों को भी डालकर हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। और ये जो हमने पीसे मसाले लिए हैं ये भी ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच नमक लिया मैंने, अगर कम होगा तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। आप नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। अब इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए मसालों में भून लेंगे। तेज आंच हमने कर रखी है शुरू से अभी तक। देखिए इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए मसालों में भून लिया है। अब इसमें हम ये कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, इसको भी हम भून लेंगे अच्छे से। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बहुत ही मसाले वाले चावल बनते हैं स्पाइसी पुलाव। इसको भी हम भून लेंगे।
देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले नीचे न लगे और टमाटर सॉफ्ट हो जाए जब तक हम इसको भूनेंगे। देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। देखिए हमने चावल डाल दिए हैं, अब इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। आंच मैंने शुरू से अब तक तेज ही कर रखी है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहीं पे अपना पानी जब हम ऐड करेंगे तो नमक भी चेक कर लेंगे, अगर कम होगा तो हम और ऐड कर देंगे। देखिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको भून लिया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। 3 कप हमने चावल लिए हैं तो 3 कप के हिसाब से हम 6 कप पानी डाल देंगे इसमें। या आप अपने चावल के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कुछ चावल ज्यादा पानी सोखते हैं कुछ कम सोखते हैं। देखिए 4 कप पानी हमने पहले डाल दिया था, 1 कप और डालेंगे हम, 5 कप पानी नहीं डालेंगे। देखिए क्योंकि कुकर में भी पानी कम लगता है चावलों में। अब यहीं पे हम अपना नमक टेस्ट कर लेंगे, अगर थोड़ा सा कम होगा तो हम और ऐड कर लेंगे। नमक हमारा थोड़ा सा कम है, हमने 1.5 चम्मच नमक डाला था, 1/2 चम्मच हम और डाल देंगे क्योंकि पानी में हमें थोड़ा सा तेज नमक चाहिए तो वो चावलों में बिल्कुल बराबर उतरेगा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसमें हम लगाएंगे ढक्कन, और ढक्कन लगा के हमें 2 सीटी पूरी लगानी है। आंच हमें तेज ही रखनी है, 2 सीटी हम इसमें पूरी लगाएंगे, उसके बाद हम इसको 5 से 7 मिनट 8 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे गैस बंद करके। देखिए 2 सीटी हमने इसको फुल फ्लेम पर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसके स्टीम में ही छोड़ दिया था। अब हम देखते हैं अपना पुलाव। देखिए आप यहीं पर थोड़ा सा देसी घी भी इसमें डाल सकते हैं, और या सर्व करने के टाइम भी ऊपर से भी डाल सकते हैं। पुलाव हमारा तैयार हो गया है, इसको हम सर्व कर लेंगे। देखिए हमने सर्व कर लिया है, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे ऊपर से, और ये हमारा स्पाइसी वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए, आप इसका रायते के साथ चटनी के साथ भी खा सकते हैं, वैसे ही अपने आप में बहुत मसाले वाला है, बहुत ही अच्छा है, तो आप यूं भी खा सकते हैं, अचार पापड़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करे वैसे खाइए, अपने परिवार के साथ बैठकर एंजॉय कीजिए। तो ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा फेसबुक पेज भी आप शाइन रेसिपी के नाम से उस पर भी सर्च कर सकते हैं, और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए ये रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।